गुड मॉर्निंग एवरी वन जल्दी से जुड़ जाइए आज के सेशन में तो आप सभी आ, मॉडर्न हिस्ट्री के पी वाई के पार्ट वन में मौजूद थे आज पार्ट टू है हमारी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो रह गए थे और उन्हीं को हम आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे ठीक है तो जल्दी से जुड़ जाइए ताकि सेशन जो है उसकी शुरुआत कर सकें हम ओके okay, तो सेशन जो है उसकी शुरुआत करते हैं और शुरुआत से पहले एक छोटी सी जानकारी अगर आप अन अकेडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के बारे में सोच रहे हैं तो आज ट्वेंटी परसेंट ऑफ जो अन अकेडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन पर चल रहा है उसका आखिरी दिन है आप यहां पर रेफरल कोड ए आर टी आई वन सेवन ज़ीरो टू के साथ अन अकेडमी प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये डिटेल्स यहाँ पर प्राइस की मौजूद हैं आप यहाँ पर बहुत से एडुकेटर्स की लाइव सेशंस देख सकेंगे नोट्स हैं, लाइव टेस्ट है क्विज हैं आइकॉनिक में वन टू वन लाइव मेंटोरशिप भी है और आइकॉनिक में डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी तो जितना मैं याद कर पा रही हूँ हमारे जो एम हुए थे लास्ट सेशन में वो दो 2017, 2017, के जो क्वेश्चंस हैं वो हमने यहाँ पर शुरू किए थे और वहीं से हम हमारा डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे मुझे थोड़ा इतना ध्यान नहीं है कि हमने लास्ट कौन सा क्वेश्चन किया था तो चलिए क्वेश्चन नंबर वन से ही चलते हैं आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें उसके बाद हम हर एक क्वेश्चन जो है उसके ऊपर चर्चा करेंगे बात करेंगे ठीक है हु अमंग द फॉलोइंग वॉर्स वर एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रयतवाड़ी सेटलमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल रयतवाड़ी सेटलमेंट से इनमें से किसका कनेक्शन था लॉर्ड कॉर्नवेल एलेक्सेंडर रीड थॉमस या फिर जो भी ऑप्शंस हैं उस हिसाब से आप इसका आंसर दीजिए बिल्कुल सही यहां पर रैतवाड़ी सेटलमेंट जो है उसको मुनरो सिस्टम भी कहते हैं थॉमस मुनरो और एलेक्सेंडर रीड जो है इनका कनेक्शन है रैयातवाड़ी सिस्टम से परमानेंट सेटलमेंट जब फेल होता हुआ सा नज़र आया तब भारत के साउथ में मद्रास से इस रेयतवाड़ी सिस्टम की शुरुआत हुई और ये रयतवाड़ी सिस्टम 1820 में आया था उस समय मुनरो साहब ही आपको यहाँ गवर्नर जनरल के रूप में नजर आएंगे तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फटाफट करेंगे कुछ ही क्वेश्चन रह गए थे हमारे कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर्स पेयर्स वाले क्वेश्चन अभी भी आ रहे हैं लेकिन ऑप्शंस जो हैं वो थोड़े से अलग हैं वहाँ पूछा जा रहा है कितने पेयर सही है कौन से नहीं पर कितने चलिए राधाकांत देव फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन लिखा है गजुल चेट्टी फाउंडर ऑफ मद्रास महाजन सभा मेरे हिसाब से क्वेश्चन हुआ है पहले सुरेंद्र नाथ बैनर्जी फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन बताइए यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कौन से यहां पर ऑप्शन के साथ आप जाना पसंद करेंगे बी के साथ चलिए बढ़िया है तो इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं राधाकांत देव राधाकांत दीप के बारे में आप कुछ और चीज़ें भी पढ़ते हैं क्या राधाकांत दीप जो है उनका कनेक्शन धर्म सभा से भी है जो कि राजा राम मोहन रॉय के ब्रह्मो समाज जो है उसको चैलेंज करने के लिए आया था बिल्कुल सही वो यहाँ पर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहे हैं ये ठीक है गजुलू लक्ष्मी नरसु चेट्टी ये क्वेश्चन हमने पिछले सेशन में किया है जितना मुझे ध्यान आ रहा है फाउंडर ऑफ मद्रास महाजन सभा क्या ये मद्रास महाजन सभा के फाउंडर हैं? नहीं मद्रास महाजन सभा के फाउंडर कौन होंगे जल्दी से आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं हमने बी सुब्रमण्यन अय्यर के बारे में पढ़ा है ठीक है मद्रास महाजन सभा के फाउंडर के रूप में इसी के साथ साथ वी राघवचारी चारी उनके बारे में भी पढ़ा है तो सेकेंड गलत है पर तीसरा सही है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं द द ऑब्जेक्ट ऑफ़ ऑफ़ बटलर 1927 वाज़ ऑब्जेक्टिव बेसिकली बटलर कमेटी जो 1927 में आ रही है उसका ऑब्जेक्टिव क्या था उससे हम क्या अचीव करना चाह रहे थे डिफाइन द जूरीडिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स डिफाइन दावर्स ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इम्पोज सेंसरशिप ऑन नेशनल प्रेस इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन states. बताइए यहाँ पे जो बटलर कमेटी है उसका आ, काम क्या था बेसिकली उसका ऑब्जेक्टिव क्या था एग्जैक्टली डी इज़ दी करेक्ट आंसर बटलर कमेटी जो 1927 में आ रही है वो भारत सरकार यानी कि ब्रिटिश इंडिया में जो सरकार थी उसके बीच में और जहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स यहाँ पर थे उनके बीच में यहाँ पर रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए आई थी इनके बीच में आदान प्रदान कम्युनिकेशन जो है वो बटलर कमेटी सेट करने आई थी इस प्रश्न का सही जवाब डी ही होगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसीडर दी फॉलोइंग इवेंट्स मेरे हिसाब से हमने ये क्वेश्चंस कर लिए हैं बट हम रिपीट कर रहे हैं उसको शायद ये वही है जिसमें मैंने आपको क्रोनोलॉजी भी बताई थी यहाँ पर इवेंट्स की म्यूटिनी इन रॉयल इंडियन नेवी क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर क्रोनोलॉजी में इसको सेट कीजिए हमें क्रोनोलॉजी में मतलब एक के बाद एक यहाँ पर इवेंट्स कौन से आए हैं तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑब्वियसली सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट के बीच में ही आपको आती हुई देखने को मिलेगी जिसके तहत यहाँ पर गांधी अरविंद पैक्ट भी साइन हुआ फिर गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हुए पार्टिसिपेट करते हैं वहीं हम अगर क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो ये 1942 में आ रहा है और म्यूटिनी रॉयल इंडियन नेवी में 1946 से जड़ी जुड़ी है जिस समय में आपकी इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज के जो सिपाही थे उनकी ट्रायल्स चल रही थी तो थ्री टू वन आंसर इसका सी होगा 2016 की तरफ बढ़ते हैं द प्लान ऑफ सर स्टेफर्ड क्रिप्स इन विड दैट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहाँ पर सर स्टीफर्ड क्रिप्स एक प्लान लेकर आए थे जिसे हम क्रिप्स मिशन भी कहते हैं 1942 में वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या करने को कह रहा है उस प्लान में क्या था इंडिया शुड बी ग्रांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस इंडिया शुड बी पार्टीशनड इनटू टू बिफोर ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस इंडिया शुड बी मेड अ रिपब्लिक विद द कंडीशन दैट शी विल जॉइन द कॉमनवेल्थ इंडिया शुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस इसके साथ कौन से ऑप्शन के साथ आप जाना पसंद करेंगे आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं आप 2016 में ये प्रश्न आया है यहाँ पे सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो क्रिप्स मिशन लेकर आए हैं वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं करता वो पार्टिशन की भी बात नहीं करता वो ये जरूर कहता है कि अगर कोई ऐसा प्रोविंस है जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चलना तो वो सेपरेट डोमिनियन के रूप में फ्री हो सकता है और अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सकता है इंडिया शुड बी मेड अ रिपब्लिक ऑब्वियसली नॉट ऐसा नहीं है ये बात कही गई थी कि इंडिया जो है कॉमनवेल्थ में रहना चाहता है या नहीं वो उस पर डिसीजन ले सकता है बल्कि आ, इंडिया जो है उसको डोमिनियन स्टेटस ही मिलेगा लेकिन इंडिया के जितने इंटरनेशनल रिलेशनस हैं उसमें जो ब्रिटिश क्राउन है वो दखल दखलंदाजी नहीं करेगा इंडिया जो है वो इन चीजों पर अपना डिसीजन खुद ले सकता है ये सब चीजें क्रिप्स मिशन में मौजूद थी इस प्रश्न का सही जवाब डी होगा कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाना चाहिए बिल्कुल सही अगला प्रश्न देखिए व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट सूरत 1907 1907 में सूरत के कांग्रेस सेशन में आप यहां पर देखेंगे कि कांग्रेस में एक स्प्लिट आया है ना मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में उसके पीछे का कारण क्या था इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्युनलिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स बाय लॉर्ड मिंटो एक्सट्रीमिस्ट लैक ऑफ फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ द मॉडरेट्स टू नेगोशिएट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग और घोष इन एबिलिटी टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बिल्कुल सही आंसर इसका बी है एक्सट्रीमिस्ट ऐसा मानते थे कि मॉडरेट्स ने यहाँ स्वदेशी मूवमेंट शुरू तो किया है लेकिन मैं डेमोन्स्ट्रेशन्स जो हैं वो यहाँ पर हमें हमारे ऑब्जेक्टिव तक एम तक नहीं पहुँचा सकती है हमें यहाँ पर एक लेवल अप जाना होगा मॉडरेट्स का कहना था बंगाल पार्टीशन से सारा मुद्दा शुरू हुआ है तो बंगाल तक ही मूवमेंट सीमित रहना चाहिए एक्सट्रीमिस्ट का मानना था कि हमें इस मूवमेंट को पैन इंडिया बनाना चाहिए बल्कि हर चीज को बॉयकॉट करना चाहिए तो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में एक प्रकार की गर्मा गर्मी थी जिसके वजह से यह स्प्लिट कांग्रेस में देखा गया और इसका सही जवाब बी होगा बिल्कुल सही चलिए कंसीडर फॉलोइंग कलकत्ता यूनिटेरियन कमिटी ताबरनाकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन इज एसोसिएटेड विद द दस्टैब्लिशमेंट ऑफ विच ऑफ द अबव इनमें से किसके इस्टैब्लिशमेंट के साथ केशव चंद्र सेन का जुड़ाव है केशव चंद्र सेन का कनेक्शन है जल्दी से इसका थोड़ा सा जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा चलिए यहां पे काफी लर्नर्स डी के साथ भी जा रहे हैं थोड़ा सा इसके ऊपर बातचीत करना बड़ा आवश्यक सा हो जाता है देखिए जब आप यहाँ कलकत्ता यूनिटेरियन कमिटी की बात करते हो पहले वाले यहाँ पर कमेटी की बात करते हैं तो कलकत्ता यूनिटेरियन कमिटी जो है वो राजा राम मोहन रॉय से कनेक्शन रखती है जब आप यहाँ पर कांग्रेस के प्रोड्यूसर्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें कलकत्ता यूनिटेरियन कमिटी भी आती है उसके बारे में भी आप पढ़ते हैं जिसमें राजा राम मोहन रॉय जो है उनका कनेक्शन है तो यहाँ पे जो पहला है वो केशव चंद्र सेन के साथ कांटेक्ट में मतलब कनेक्शन नहीं रखता ऑफ न्यू और इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन इसका कनेक्शन केशव चंद्र सेन के साथ रहा है कुछ याद आ रहा है कुछ ध्यान में आ रहा है आप सभी के चलिए दी प्रपोजल रिलेटेड टू प्रपोजल जो आए थे वो किस चीज से जुड़े हुए हैं सोशल रिफॉर्म्स एडुकेशनल रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स काफी आसान और काफी डायरेक्ट प्रश्न है ये इस पर जल्दी से जवाब दे दीजिए मोन्तिक शेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स क्या करने आए हैं ये रिफॉर्म्स यही रिफॉर्म्स हैं जो कि आगे चल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन में तब्दील होंगे राइट right? तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं शेम्सफोर्ड रिफॉर्म ये 1919 के एक्ट के रूप में आएंगे सत्य शोधक समाज सत्य का शोध करने वाला समाज मूवमेंट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन बिहार अ टेंपल एंट्री मूवमेंट इन गुजरात एंड एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र अट मूवमेंट इन पंजाब सत्य शोधक समाज बिल्कुल सही सी इज द करेक्ट आंसर और इससे जुड़े हुए नोटेबल फिगर का नाम आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कौन है वो व्यक्ति जिनका कनेक्शन था इस पर्टिकुलर समाज के साथ उनका नाम क्या है ज्योतिबा फूले बिल्कुल सही ज्योतिबा फूले यहाँ पर महाराष्ट्र से थे और एंटी कास्ट मूवमेंट वो चला रहे थे सत्य शोधक समाज उन्हीं का समाज है एंड आप देखोगे कि ब्राह्मण्स की सुपिरटी के खिलाफ वो फाइट करते हुए नजर आते हैं उन्होंने गुलामगिरी नाम की एक किताब भी लिखी है तो इस प्रश्न का सही जवाब सी होगा चलिए बढ़िया द स्वदेशी एंड बॉयकॉट वर अडॉप्टेड एज मैथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग स्वदेशी और बॉयकॉट ये पहली बार एज मैथड ऑफ स्ट्रगल कब अडॉप्ट किए गए कब इनका इस्तेमाल हुआ एगिटेशन अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल होम रूल मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विजिट ऑफ साइमन कमिटी इन इंडिया डायरेक्ट प्रश्न है ये भी यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब ए है जब बंगाल का पार्टिशन हुआ उस समय स्वदेशी मूवमेंट आप देखोगे बॉयकॉट मूवमेंट आप देखोगे जिन्हें पहली बार एज अ मैथड ऑफ स्ट्रगल अडॉप्ट किया गया था हालांकि उसका बहुत बड़ा कुछ रिजल्ट आया नहीं 2015 की तरफ चलते हैं कंसिडर फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज सरोजनी नायडू द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज बद्रुद्दीन तैयब जी जल्दी से इसका जवाब दीजिए 2015 के क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ चुके हैं इसका आंसर क्या होगा ओके okay, तो मैं कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देख सकती हूँ मेजॉरिटी लर्नर्स बी के साथ जा रहे हैं लेकिन कई जो हैं वो सी के साथ भी जा रहे हैं फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सरोजनी नायडू नहीं है एनी बेसेंट हैं लेकिन अगर मुझे ये स्टेटमेंट करेक्ट करनी है तो क्या मैं यहां पर ऐड कर फर्स्ट इंडियन अगर हम कहें फर्स्ट प्रेसिडेंट तो वो एनी प्रेसिडेंट सरोजनी नायडू थी तो आपकी जो पहली स्टेटमेंट है वो गलत हो गई है दूसरी ठीक है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के बदरुद्दीन तैयब जी ही रहे हैं इस प्रश्न का सही जवाब बी होगा राइट right? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हु ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज अ मार्च ऑन तांजौर कोस्ट टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ इन अप्रैल 1930 आप जानते हैं सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट जो है उसको उसका जो नर्व सेंटर है वो तो वैसे साबरमती से डांडी जो मार्च था वही था लेकिन उसी की तरह आपको दूसरे भी इलाकों में तटीय इलाकों में ऐसा मार्च देखने को मिलेगा तो तांजौर जो कोस्टल रीजन है साउथ में तमिलनाडु वाले एरिया में वहां पर सॉर्ट लॉ कौन ब्रेक कर रहा है वी ओ चिदम्बरम पिल्लई सी राजगोपालाचारी के कामराज या फिर एनी बेसेंट e. कौन है वो जो आपको तांजौर में ये जो लॉ है ये ब्रेक करते हुए नजर आते हैं जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए बिल्कुल सही सी राजगोपालाचारी करेक्ट इस प्रश्न का सही जवाब बी होगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन नाइनटीन क्लियरली डिफाइंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन नाइनटीन में क्या लिखा था सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर दूरिडिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट पावर्स ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड वाइस रॉय या इनमें से कोई नहीं बताइए यहाँ पे 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो क्या क्लियरली डिफाइन करता है वो किस चीज के बारे में क्लियरली हमें इंफॉर्मेशन देता है बिल्कुल सही इसका आंसर बी होगा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसका आंसर बी क्यों है ज्यूरीडिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्या करता है यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट्स पर भारत में काम हो सकता है उसे दो लिस्ट में बांटता है एक आपकी सेंट्रल लिस्ट है और दूसरी आपकी प्रोविंशियल लिस्ट है प्रोविंशियल लिस्ट पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट काम करेगी सेंट्रल लिस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी लेकिन जो प्रोविंशियल लिस्ट थी वो फर्दर बटी हुई थी ट्रांसफर लिस्ट में और रिजर्व लिस्ट में ट्रांसफर्ड लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर वो मेंबर्स काम करेंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल से इलेक्ट होकर आए हैं और रिजर्व लिस्ट पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वो मेंबर्स काम करते हैं जो प्रोविंस के गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट करके एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स बनाए गए हैं तो यहाँ पे बी सही जवाब है द जूरीडिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट 1919 का ही एक्ट था जो कि प्रोविंशियल लेवल पर डाय की सिस्टम लेकर आता है तो इसका सही जवाब बी होगा बिल्कुल सही चलिए आगे बढ़ते हैं विद रेफरेंस टू दी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ये पहले कांग्रेस का फैक्शन ही हुआ करती थी लेकिन जब भारत आजाद हो गया ना उसके बाद आपको ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एक अलग पार्टी के रूप में नजर आएगी और काफी जगहों पे कांग्रेस को अपोज करती हुई भी, भी देखी गई है उसी से जुड़ी हुई कुछ स्टेटमेंट्स है इट एडवोकेटेड ऑफ़ ब्रिटिश गुड्स टैक्सेस इट एडवोकेटेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज एंड ऑपरेस्ट क्लासेस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नाम पर अगर फोकस करेंगे पहली बार सुन रहे हैं इस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में तो भी नाम पर फोकस करते हुए इस प्रश्न का सही जवाब आप दे सकते हैं इसके प्रश्न के सही जवाब तक आप पहुंच सकते हैं अब इसका पहले जवाब दीजिए उसके बाद बात करते हैं ओहो हो कमेंट सेक्शन चलता रहना चाहिए आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे उस पर यहां मेजॉरिटी जो है वो बी के साथ जा रही है लेकिन थोड़ा सा रुझान जो है वो बदलता हुआ सा भी लग रहा है चलिए इसका जवाब असल में बी ए बी बी ओके इट एडवोकेटेड द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड इवेजन ऑफ टैक्सेस यहां पर ये ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करना और टैक्सेस जो हैं उनको आ, बेसिकली टैक्सेस नहीं देने चाहिए ऐसी चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं वो क्या ये सही है क्या ऐसा कोई सपोर्ट इस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा किया गया है कमेंट सेक्शन रुक क्यों रहा है बिल्कुल सही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है वो बेसिकली आपके कांग्रेस के ही अंदर लेफ्ट विंग पार्टी कही जा सकती है ऐसी पार्टी जो कि नाइनटीन के दौर में आई और नाइनटीन के दौर में कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट विचार जो है वो भारत में एंटर हो रहे थे उस समय में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी आ रही थी और एक कांग्रेस के अंदर आपको कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी देखने को मिलेगी ये यहाँ पर बहुत हद तक क्या कर रहे थे ये यहाँ एक तरीके से जैसे आप लोगों ने यहाँ पे स्वराजिस्ट के बारे में पढ़ा होगा भी लेफ्ट विंग के ही नेता कहलाए है जाते हैं द वन जो कि गवर्नमेंट के अंदर एंटर होके यहाँ पर चेंज चाहते थे ठीक है उसी तरह से सोशलिस्ट पार्टी के जो नेता हैं उनका भी मानना था कि ऑन टेबल्स चीज़ों को सुलझाना ज्यादा बेहतर है यहाँ पर जो मेथड अभी तक फॉलो किया जा रहा है गांधी जी के लीडरशिप के अंडर वो मेथड उससे थोड़ा सा हट के हमें चलना चाहिए थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए हमें तो पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत है इट वॉन्टेड टू एस्टैब्लिश द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेट्रियट ऐसा नहीं है देखिए वो किसी की डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश नहीं करना चाहते क्योंकि सोशलिस्ट विचार का मतलब ही है कि किसी को डोमिनेट ना करने देना कोई भी डोमिनेंस में नहीं होना चाहिए कोई भी डोमिनेटिंग नहीं होना चाहिए यहां पर सोशलिस्ट विचार का मतलब होता है इक्वलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटीज तो आपकी जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो भी यहां पर गलत है इट एडवोकेटेड अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज एंड ऑपरेस्ट क्लासेस अब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसकी जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउट जो है, वो है वो क्रिएट होता कि क्या इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट को एडवोकेट किया है माइनॉरिटीज के लिए ऑपरेस्ट क्लासेस के लिए तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है उसके द्वारा सेपरेट इलेक्टोरेट को भी एडवोकेट नहीं किया गया है यहाँ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अलग है और जो आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और उनके उन जैसे लीडर्स के विचारों को देखते हैं वो अलग है यहां पर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है वो भी इस तरह के आइडियाज को एडवोकेट करती हुई नहीं देखी जाती है ठीक है असल में इसका जो जवाब है वो डी होना चाहिए <clears throat> ऑफ द फॉलोइंग वॉर्स वर इकोनॉमिक क्रिटिक या क्रिटिक्स ऑफ कोलोनियलिज्म इन इंडिया इनमें से कौन से इकोनॉमिक क्रिटिक के रूप में आ रहे हैं जो कि ब्रिटिशर्स की भारत में इकोनॉमिक पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते हुए देखे जा सकते हैं दादा भाई नरोजी जी सुब्रमण्यन अय्यर आर सी दत्त बताइए यहां पे आ, पूछ रहे हैं आपसे इकोनॉमिक क्रिटिक के रूप में तो एक नाम तो आप पूरी तरह से श्योर हैं दादा भाई नरोजी बट उनके अलावा जी सुब्रमण्यन अय्यर और आरसी सी दत्त जो हैं वो भी इकोनॉमिक क्रिटिक के रूप में देखे जाते हैं दादा भाई नरोजी जो हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया उन्होंने यहाँ पर आ, कैसे इंडिया की वेल्थ जो है उसको ड्रेन किया जा रहा था उसके बारे में बात की है पोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की किताब भी लिखी है जिसमें वो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में बात करते हैं इस प्रश्न का सही जवाब डी होगा ये सभी इकोनॉमिक क्रिटिक्स ही हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद रेफरेंस टू द रॉलेट सत्याग्रह विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है रॉलेट सत्याग्रह के मतलब उसको अगर आप कंसिडर करो रॉलेट एक्ट वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिन कमिटी इन रोलेट सत्याग्रह गांधी जी ट्राई टू यूटिलाइज दी होम रूल लीग डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट दी अराइवल ऑफ दी साइमेन कमिटी कोइंसाइडेड विद रॉलेट सत्याग्रह बताइए जल्दी से इसका आंसर रॉलेट सत्याग्रह इसमें आप कौन से प्रश्न के साथ कौन से स्टेटमेंट के साथ जाना पसंद करेंगे देखिए, देखो में था ही ये कि शक के आधार पर भी किसी को बिना के किया जा सकता है ठीक है? है है अगर शक भी है कि कोई व्यक्ति कर रहा है तो रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ट्राई टू तो यूटिलाइज द होम रूल लीग इज इट ट्रू क्या ये सही है हाँ क्योंकि गांधी जी जो थे उन्होंने होम रूल लीग के यंग एक्टिविस्ट को इस रॉलेट सत्याग्रह में पुल किया था और उन्होंने रूल लीग का एक नया नाम भी रखा था जिसे हम स्वराज्य सभा कहते हैं क्या यह बात सही है क्या यहां तक इंफॉर्मेशन करेक्ट है हमारी बिल्कुल करेक्ट है यहां पर बी जो है वो भी ठीक लेकिन जब हम थर्ड की बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमिटी को विद रॉलेट सत्याग्रह ऑब्वियसली नॉट रॉलेट सत्याग्रह नाइनटीन नाइनटीन 1920s में देखा जा सकता है साइमन कमिटी तो 1927 में आया है तो इनमें काफी गैप है और ये कोइंसाइड नहीं करते हैं ठीक है तो यहाँ पे आपका थर्ड वाला गलत है इस प्रश्न का सही जवाब बी होगा बिल्कुल सही चलिए आगे बढ़ते हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स हैज कंट्रीब्यूटेड टू अ स्प्लिट इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजल्टिंग इन ऑफ मॉडरेट्स एंड ये क्वेश्चन हमने पीछे भी देखा है 2016 में भी आया था लेकिन थोड़े अलग रूप में आया था उसमें लिखा था का कारण क्या था और यहाँ डायरेक्टली पूछा हुआ है कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के स्प्लिट का कारण क्या था तो प्रश्न जो है वो एक जैसा ही है थोड़ा सा घुमा के है और कुछ नहीं सेम फ्रेमिंग थोड़ी अलग हो गई तो यहाँ पे कौन सा ंग्रेस के स्प्लिट के बाद आप देख सकते हो विच वन ऑफ दूवमेंट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजल्टिंग इन दस ऑफ मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट बेसिकली रेवर्स वन मूवमेंट जो कि इस दौरान चल रहा था स्वदेशी मूवमेंट इसका जवाब यह होगा बिल्कुल ठीक अगला प्रश्न देखिए विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर दसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ फ्यूडल सिस्टम है ये प्रश्न वैसे मॉडर्न हिस्ट्री में तो नहीं आना चाहिए बट एक तरह से एंशियंट मेडवल मॉडर्न तीनों में ही काउंट होगा क्योंकि फ्यूडल सिस्टम की शुरुआत एंशियंट पीरियड में हुई लेकिन पूरे मध्यकालीन भारत में और अर्ली मॉडर्न एरा में भी इसका इस्तेमाल देखा जा सकता था तो इस प्रश्न को पढ़े और इसका जवाब दीजिए वेरी स्ट्रोंग सेंट्रलाइज पोलिटिकल अथॉरिटी एंड अ वेरी वीक प्रोविंशियल और लोकल पोलिटिकल अथॉरिटी द इमरजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन कंट्रोल एंड पोजिशन ऑफ दी लैंड क्रिएशन ऑफ द लॉर्ड वेसल रिलेशनशिप बिटवीन द फ्यूडल लॉर्ड एंड हिज ओवर लॉर्ड फ्यूडल सिस्टम में क्या चीजें दिखती हैं आपको उस आधार पर इस प्रश्न का आप जवाब देंगे फटाफट क्या फ्यूडल सिस्टम वो है जिसमें सेंट्रल पॉलिटिकल अथॉरिटी स्ट्रांग होती है और प्रोविंशियल अथॉरिटी वीक नो यहाँ पे फ्यूडल सिस्टम तब आता है जब पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन होता है पावर को जब डिसेंट्रलाइज करते हैं सेंटर के हाथ में जो पावर है उसमें से कुछ लेकर प्रोविंशियल लेवल पर या फिर फ्यूडल लॉर्ड्स को फ्यूडल वेसल लेवल पर दी जाती है तब फ्यूडल सिस्टम हमें नजर आता है तो यहां पर आपका जो फर्स्ट है वो तो गलत है बाकी दोनों ठीक हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है वो जमीन के पोजिशन और कंट्रोल पर आधारित है ऑब्वियसली फ्यूडल लॉर्ड वो है जिसको एक जमीन का टुकड़ा दिया जाता है फ्यूडल लैंड दी जाती है उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशल राइट्स दिए जाते हैं और ये व्यक्ति उस एरिया को एडमिनिस्टर करता है ये व्यक्ति जो फ्यूडल लॉर्ड है ये सामंत कहलाता है और काफी बार तो ऐसा भी होता है कि उस जमीन के लोग उसी सामंती को अपना कर्ता धरता मानते हैं उन्हें असल राजा के बारे में पता ही नहीं होता और यही सामंती इसका फायदा उठा के आगे चलकर अपनी टेरिटरी को इंडिपेंडेंट कर लेते हैं और एक एम्पायर के डिक्लाइनेशन का कारण भी बनते हैं तो सेकंड स्टेटमेंट सही है थर्ड भी सही है आंसर इसका बी होगा ठीक है चलिए बढ़िया 2014 के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हुए जल्दी से द पार्टीशन ऑफ बेंगाल मेड बाय लॉर्ड कर्जन इन नाइनटीन जीरो फाइव लास्टेड यहां पे लॉर्ड कर्जन ने बेंगाल पार्टिशन जो किया था वो कब तक चलाया ओके okay, अगर आपको ईयर भी याद है उससे भी आंसर क्लियर आ जाएगा

तो बहुत आसान हो जाएगा बंगाल पार्टीशन को 1911 में रद्द किया गया था और दिल्ली कैपिटल भी शिफ्ट किया गया था पहले कलकत्ता था फिर दिल्ली कैपिटल शिफ्ट हुआ 1911 में दिल्ली दरबार लगाया गया किंग जॉर्ज फिफ्थ आए और उन्होंने ये सब अनाउंसमेंट की तो इस प्रश्न का सही जवाब बी होगा बहुत बढ़िया चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं

बिल्कुल सही शौर्य 1929 1929 का सेशन लाहौर सेशन है लाहौर में हो रहा है ये और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है ठीक है 1929 का सेशन लाहौर सेशन है कराची नहीं बिल्कुल सही बिल्कुल सही लाहौर कराची बाद में आएगा जब आपका सिविल डिसोबिड मूवमेंट होगा फिर गांधी साइन होगा फिर उसका इंडोर्समेंट होगा तब द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज वाज अडॉप्टेड एज द गोल ऑफ द कांग्रेस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च या फिर डिसीजन टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंडन वॉज टेकन तो इस प्रश्न का सही जवाब बी होगा बिल्कुल सही यहाँ पे पूर्ण स्वराज जो है उसके रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया 1929 के इस लाहौर सेशन में है ना कहा गया था ना कि हम बनाएंगे 26 जनवरी 1930 को हमारा इंडिपेंडेंस डे तो आपके पास छब्बीस जनवरी 1930 तक का समय है अंग्रेजों के पास जल्दी जल्दी बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से निकलो लेकिन क्या वो गए ऐसा लगा जैसे अरविंद ने कुछ सुना ही नहीं छब्बीस भी आया सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस आके चला गया तब जाके गांधी जी ने तीस तारीख को बोला कि मेरी ग्यारह डिमांड्स हैं अगर तुमने नहीं माना तो मैं यहां पर सिविल डिस मूवमेंट लॉन्च कर दूंगा एक बार फिर अरविंद के कानों में कुछ नहीं पड़ा सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट शुरू हुआ मार्च में डांडी मार्च के साथ राइट? Right? तो इस प्रश्न का सही जवाब बी है आपको यहां पर क्रोनोलॉजी पर ध्यान देना चाहिए आप डेटा काफी ज्यादा याद रखने की कोशिश करते हैं बट बेसिक इवेंट्स की क्रोनोलॉजी जो है उस पर भी थोड़ा फोकस कीजिए ठीक है अगला प्रश्न देखिए दी गदर 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 क्या है दी रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद हेडक्वार्टर एट सैन फ्रांसिस्को नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग फ्रॉम सिंगापुर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर बर्लिन में है या फिर कोई कॉम्युनिस्ट मूवमेंट है इंडिया के फ्रीडम के लिए जिसका हेडक्वार्टर तशकंत में है इस प्रश्न का सही जवाब ए है दी गदर पार्टी गदर पार्टी भारत के बाहर से भी बहुत से ऐसे एसोसिएशंस थे जो भारत की आजादी के लिए फाइट कर रहे थे एंड वन ऑफ देम वाज गदर पार्टी जिसका हेडक्वार्टर सेंट फ्रांसिस्को में था गदर पार्टी गदर पार्टी के नाम से जानी जाती थी क्योंकि इनका एक न्यूज़पेपर था गदर अंग्रेजी अंग्रेजी राज का दुश्मन तो गदर पार्टी का असल नाम गदर पार्टी नहीं है ये क्या है इसका नाम क्या है हाँ यूएस में बिल्कुल यूएस में ही है अंग्रेजी राज का दुश्मन गदर गदर पार्टी का असल नाम क्या है अरे वाह यानी वो लंबे चौड़े नाम में से थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे पीस याद आ रहे हैं अब इन पीसेस को जोड़ दीजिए पैसिफिक कॉस्ट बता रहे हैं हिंदुस्तान एसोसिएशन बता रहे हैं इन पीसेस को जोड़िए पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन पजल अभी भी क्लियर नहीं हुआ है अभी भी आगे पीछे लगा हुआ है सारा कुछ गदर आंदोलन बता रहे हैं हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कॉस्ट इसको याद कैसे रखेंगे ध्यान से देखिए एक हिंदुस्तानी एसोसिएशन जो पैसिफिक में है ना वेस्ट में पैसिफिक कॉस्ट एरिया में मौजूद है ओके इस तरह से याद रखिए इसे हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कॉस्ट एक हिंदुस्तानी एसोसिएशन जो पैसिफिक कॉस्ट में मौजूद है ये इसका असल नाम था ये गदर पार्टी के नाम से जाना जाता था ठीक है चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं वॉट वॉज वर दी ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन क्वीन विक्टोरिया का यहां पर एक प्रोक्लेमेशन आया है अठारह की क्रांति होते ही क्वीन विक्टोरिया एकदम से जाग गई और उन्हें समझ आया कि भारत की जनता भी मेरी जनता है और मैं उनसे कुछ वादे करना चाहती हूँ तो वो कुछ प्रोक्लेम कर रही हैं। वो भारत आ नहीं रही है लेकिन वो कुछ प्रोक्लेम कर रही है अलाहाबाद दरबार में टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स इंडियन states, टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया Company's ट्रेड विद इंडिया बताइए इसका जवाब क्या होगा इसका जवाब हम देंगे आंसर तक पहुंचेंगे लेकिन पहले थोड़ा बात कर लेते हैं टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स इंडियन स्टेट उन्होंने ये कहा था उन्होंने ये कहा कि मैं इंडियन स्टेट्स जो हैं उनके ऊपर जो डॉक्टर ऑफ लाव्स की पॉलिसी लगी हुई थी वो सब कुछ हटाती हूँ है ना आपने यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ब्रिटिश क्राउन ने कभी भी यहाँ पर इंडियन स्टेट्स को कैप्चर करने की बात नहीं कही है बल्कि डॉक्टर ऑफ लैप्स की पॉलिसी हटा के उन्होंने इंडियन स्टेट्स को उनकी पुरानी पोजिशन पे ही पहुँचा दिया बट धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके दरबार लगते रहे और ब्रिटिश क्राउन ऐसे टाइटल्स अडॉप्ट करती रही जिससे ग्रेजुअली वो पैरामाउंट पावर बन गई इन सारे इंडियन प्रिंस की स्टेट्स पर तो पहली स्टेटमेंट ठीक है दूसरी टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश क्राउन ऑब्वियसली यहां पर भारत जो है उसका एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पीरियड है वो खत्म होता है इसका आंसर ए होगा थर्ड गलत है ठीक है ठीक है मैं आंसर जो है उसको बिल्कुल टिक कर रही हूँ लेकिन आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है शेखर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए मेरा वहां पर मैंने पूरी पीडीएफ दे रखी है तो आप क्लास देखते हुए भी टिक कर सकते हैं वहां पर पूरी पीडीएफ मौजूद है ठीक है यहाँ पर वॉट वॉर्ज वर दी ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन यस ऑब्वियसली वो यहाँ पर कह रही है कि हम इंडियन स्टेट्स को कैप्चर नहीं करेंगे और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को ब्रिटिश क्राउन के अंडर रखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार अब भारत में नहीं है टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेट विद इंडिया ये गलत है इसका आंसर ए है ठीक है द रेडक्लिफ कमिटी वॉज अपॉइंटेड टू रेडक्लिफ कमिटी क्यों अपॉइंट की गई थी सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया गिव इफेक्ट टू इंडिपेंडेंस बिल डीलिमिट बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंक्वायर इन टू बंगाल सी रेड क्लिफ़ लाइन सर सिरिल रेड क्लिफ जो कि भारत आए गर्मियों के मौसम में भारत अगस्त में आज़ाद हुआ तो वो आ गए हैं जून के मौसम में जून में होती है गर्मी उनका मुंह हो गया टमाटर जैसे लाल तो उनको जाना था जल्दी से घर तो ऐसे ही एक किस्सा बताया जाता है कि उन्होंने जल्दबाजी में यहाँ पर बिना पॉपुलेशन रिपोर्ट स्टडी किए सेंसस रिपोर्ट स्टडी किए फटाफट यहाँ पे लाइन खींची और चले गए तो ऐसा कुछ हुआ अब हम 2013 की तरफ बढ़ेंगे 2013 की तरफ हम चल रहे हैं और कुछ एमसीक्यू कवर करेंगे ये लास्ट है हमारा uh, कुछ क्वेश्चंस रह गए थे इसीलिए आज का सेशन यहां पर हम ले रहे हैं विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री द मेंबर्स ऑफ द असेंबली फ्रॉम द प्रोवेंसी वर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दो नॉमिनेटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग इलेक्टेड बाई प्रोविन्शल लेजिस्लेटिव असेंबलीज सिलेक्टेड बाई द गवर्नमेंट फॉर दियर एक्सपर्टीज इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स इसका जवाब क्या होगा यहाँ पे जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके मेंबर्स कैसे चुने जा रहे हैं बिल्कुल सही प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है वहां से वो इलेक्ट होकर आ रहे हैं एंड व्हाट अबाउट प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली इसके मेंबर्स किधर से आ रहे थे लोकल बॉडीज से तो बेसिकली आइडिया ये था कि जो लोकल बॉडीज है जैसे म्यूनसिपलिटीज वगैरह वहाँ से प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में मेम्बर्स आएंगे और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से फिर मेंबर चुनकर जाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो कि भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करेंगे ठीक है इसका आंसर सी है अगला प्रश्न देखिए द डिमांड फॉर दी दिबांग पीजेंट मूवमेंट इन बेंगॉल वॉस द रिडक्शन ऑफ द शेयर ऑफ लैंड लॉर्ड फ्रॉम हाफ ऑफ द क्रॉप टू वन थर्ड द ग्रांट ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड टू पीजेंट्स एज दे वर दी दुअल कल्टिवेटर्स ऑफ द लैंड दूटिंग ऑफ जमींदारी सिस्टम एंड एंड ऑफ सर्फडम री राइटिंग ऑफ ऑल पीजेंट डेट्स बताइए तेबागा मूवमेंट के बारे में है ये क्या मांग कर रहे थे किसानों से जुड़ा हुआ आंदोलन है ये बिल्कुल सही इस प्रश्न का जवाब जो है वो ए है यहां पे लैंडलॉर्ड्स का जो शेयर था किसान है किसान जमीन पे खेती करता है वो फसल उगाता है उस फसल का आधा हिस्सा लैंडलॉर्ड ले जाता था तो उस हिस्से को रिड्यूस कर रहे हैं कि वन थर्ड हिस्सा जमींदारों को मिला तो इसका आंसर ए होगा अगले प्रश्न की ओर बढ़िए द पीपल ऑफ इंडिया एगिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन साइमन कमीशन के खिलाफ इतना विरोध क्यों देखा गया इंडियंस नेवर वॉन्टेड दी रिव्यू ऑफ़ द वर्किंग ऑफ़ द एक्ट ऑफ 1919 की 1919 के एक्ट के हिसाब से जो सरकार चल रही थी उस पर उन्हें कोई रिव्यू या रिकमेंडेशन नहीं चाहिए थी साइमन कमेटी ने डायरकी को अबॉलिश करने के कुछ रिकमेंडेशन दी देर वॉज नो इंडियन मेंबर इन साइमन कमीशन या फिर साइमन कमीशन जो है वो भारत के पार्टीशन की बात कर रही है इसका जवाब सी है असल में साइमन कमेटी जो है वो भारत के फ्यूचर के बारे में डिसीजन लेने वाली थी और उस कमेटी में एक भी भारतीय नहीं था इस वजह से साइमन गो बैक के नारे लगाए गए वैसे तो वो 1929 में आनी चाहिए थी लेकिन दो साल पहले ही आ गई क्योंकि ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी को डर था कि वहाँ पर जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें वो हार जाएगी और लेबर पार्टी अगर सत्ता में आई और उसके अंडर ऐसी कोई कमेटी 1919 के एक्ट को रिव्यू करने के लिए गई तो वो इंडियंस के फेवर में ही रिकमेंडेशन देगी इसीलिए 1927 में ये साइमन कमेटी आई आंसर इसका सी होगा अगला प्रश्न देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च इन रिस्पॉन्स ऑफ किस चीज के रिस्पॉन्स में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हो रहा है कैबिनेट मिशन प्लान क्रिप्स प्रपोजल साइमन कमेटी की रिपोर्ट या फिर वैवल प्लान बिल्कुल सही क्रिप्स मिशन 1942 1942 में क्रिप्स मिशन आया और ये क्रिप्स मिशन जो है ये थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाने वाला सिस्टम था कैबिनेट मिशन बाद में आ रहा है आपका साइमन कमेटी की रिपोर्ट पहले आ गई है और वैवल प्लान भी 1945 का है क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हो रहा है आंसर इसका बी है क्रिप्स मिशन सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो लेकर आ रहा है एनी बेसेंट के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं एनी बेसेंट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग दी होम रूल मूवमेंट दी फाउंडर ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट वॉज वंस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बिल्कुल बिल्कुल क्रिकेट के अबू ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन पहले भी आया था तो शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग होम रूल मूवमेंट ठीक है ये लेकिन वो थियोसोफिकल सोसाइटी की फाउंडर नहीं है एच पी ब्लावाड्सकी मैडम एच पी ब्लावाड्सकी और कर्नल ऑलकट जो है उन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी की शुरुआत की थी यूएस में इंडिया में तो बस उसका एक ब्रांच था एंड यस शी वॉज वंस द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस शी इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस तो इसका आंसर सी होगा चलिए बहुत बढ़िया अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं ये आखिरी प्रश्न है एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी किससे जुड़ी है? एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के समय में हुई थी और ये क्या है उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वाज रिलेटेड टू द इंपोजिशन रिस्ट्रिक्शंस द इंडियंस ऑफ सर्टेन टू कैरी आर्म्स बाय इंडियंस रिमूवल्ट कॉटन क्लॉथ जल्दी से बता दीजिए इसका जवाब बिल्कुल सही इसका जवाब है सी असल में क्या था कि जो इंडियन जजेस हुआ करते थे उनको यूरोपियंस की सुनवाई करना उनकी ट्रायल्स लेने की आज़ादी नहीं थी उनको पावर नहीं थी तो एल्बर्ट बिल क्या करता है इंडियन जजेस को भी यूरोपियंस की ट्रायल लेने की पावर देता है लेकिन फिर सारे यूरोपियंस भड़क गए कि ऐसा नहीं हो सकता और इसको बहुत ही खराब बहुत ही गलत रूप दिया गया कहा गया कि इंडियन जजेस जो हैं यूरोपियन महिलाओं के केसेस में अपना फ़ायदा देखेंगे अपने हैरम में यूरोपियन महिलाओं को भरना शुरू कर देंगे तो इंडियंस को इस प्रकार से हम कह सकते हैं कैरेक्टर असासीनेशन किया गया और ये बिल बहुत बड़ा मुद्दा और कंट्रोवर्सी बन गया इस बिल को वापस लिया गया लेकिन बाद में चल के इस बिल में चेंजेस लाए गए और फिर उस बिल को पारित किया गया तो चेंजेस ये थे कि जब एक इंडियन जज जो है वो किसी यूरोपियन की ट्रायल ले रहा है तो उस समय एक पूरी बेंच बैठनी चाहिए जिसमें यूरोपियन जजेस भी उस समय कोर्ट रूम में मौजूद होंगे तो इस प्रश्न का सही जवाब सी है और इसी के साथ हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के सभी क्वेश्चन पूरे होते हैं यहाँ पर एक छोटा सा बारग्राफ की मदद से आ, बताया बताने की कोशिश की गई है मेरी तरफ से कि कितने क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज देखे जा सकते हैं 2018 में तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे लेकिन ऑन एन एवरेज आपको यहाँ पे पाँच से छः प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से आते हुए देखने को मिल जाते हैं और आपने ध्यान दिया होगा हमारे इन दोनों सेशंस में कि एक्ट्स में जो प्रोविजंस हैं उन एक्ट्स के वहाँ से बहुत डायरेक्ट प्रश्न आते हैं 2022 के प्रलिम्स में भी ऐसा ही हुआ यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन हो या फिर आपका आ, क्रिप्स मिशन हो वहाँ से जो डायरेक्ट प्रोविजंस थे जो पॉइंटर्स आप रीड करते हैं वहीं से प्रश्न थे इसी तरह से एसोसिएशन्स उनके फाउंडर्स उन न्यूज़पेपर्स के एडिटर्स ऐसे प्रश्न जो है वो काफ़ी देखे गए हैं तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए एक्ट्स के प्रोविजंस को बारीकी से समझिए अच्छे से पढ़िए ताकि उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस आप गलत ना करें आज के सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इसी के साथ ये जो पूरी सीरीज थी हमारी पी वाई क्यूज की एंशंट मेडिवल और मॉडर्न की एक होती है एक जानकारी आप सभी के लिए इस संडे यानी कि छः बजे इस संडे हम क्या करने वाले हैं छः बजे इस संडे को हम एंशंट हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं मैं आपको एंशंट हिस्ट्री का ओवरव्यू दूंगी एक मैराथन सेशन में और उसी के साथ साथ मेरी तरफ से आपको एक वर्कशीट भी प्रोवाइड की जाएगी जिस वर्कशीट को कंप्लीट करने के बाद आपका बेसिक जो है एंशंट हिस्ट्री का वो कवर हो जाएगा उसके बाद आप स्टैंडर्ड सोर्सेस को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं तो इस बार संडे 6 बजे जरूर आइएगा हम मिलेंगे एक बार फिर से तब तक के लिए धन्यवाद थैंक यू सो